नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। आप देख रहे हैं जीत ब्लॉग्स और अभी मैं यहाँ गांधी मैदान में मौजूद हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं 4 बजे सुबह से स्टूडेंट का जमावड़ा स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। आज हमारे साथ कुछ बच्चे हैं और एक गुरुजी हैं जो गुरुजी के नाम से फेमस है पटना में, फिजिकल ट्रेनर है। तो आज उनसे मैं बात करूंगा और उन हमारे पीछे देख सकते हैं स्टूडेंट की भीड़ और उनकी एक ट्रेनिंग कैंप भी है। वो अपने हॉस्टल भी रखे हुए हैं और हॉस्टल में भी ट्रेनिंग करवाते हैं और उसके बाद क्या कि ग्राउंड लेवल पे जो प्रैक्टिस होती है, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम होती है, जैसे कि अगर बिहार पुलिस हो या सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो या कोई भी आर्मी की हो, तो कोई भी एग्ज़ाम होती है तो उसमें क्या होता है कि दौड़ या रनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें क्या है कि उसके लिए आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए वो ट्रेनिंग करवाते हैं सारी चीज़, मतलब जितनी फिजिकल ट्रेनिंग होती है फिजिकल फिटनेस करके भेजने के लिए, और जो रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी तैयारी करवाते। तो मैं दोनों के बारे में आज उनसे जाके बात करूँगा और वीडियो में बने रहे। जैसे कि अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, जो गुरुजी जो परिचय के मोहताज नहीं है, बेसिकली पटना में इनका बहुत सारा ब्रांच भी है और फेमस टीचर है गुरुजी, और जैसे कि इनका के लिए मामले में और एक विख्यात फिजिकल ट्रेनर के नाम से ये प्रसिद्ध है यहाँ पटना में, और गांधी मैदान में हर एक बच्चे जो भी आते हैं इनको गुरुजी के ही नाम से सब कोई जानते हैं। इनका जो अपना पर्सनल नाम है कोई नहीं जानते, जैसे खान सर के जैसे। तो सर, सबसे पहले गुरुजी तो मैं आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है। नाम तो गुरुजी है। गुरुजी तो नहीं, ओरिजिनल ये तो नाम ही गुरुजी है। गुरुजी बच्चे प्यार है, गुरुजी जो एक नाम है ना, इसमें बहुत सारा प्यार है, ब्रांड है। तो सर, ये जो बच्चे 4 बजे आ जाते हैं, जो लगभग बच्चे सोए रहते हैं, पूरा दुनिया ही सोई रहती है 4 बजे के आसपास, तो उसके लिए ये लोग को प्रेरित कैसे करते हैं आप 4 बजे उठाने का? जैसे क्या होता है कि एक शेड्यूल में कैसे लाते हैं ये लोग उठाने का कोशिश? शेड्यूल में सबसे पहले कि आज हर आदमी सोचता है ना कि हम फिट रहें जी, और फिट होने के लिए ग्राउंड तो जाना ही पड़ेगा जी। ऐसा नहीं कि नौकरी पाने के लिए, जैसे जो भी भर्ती आते हैं डिफेंस में उसमें फिजिकल होता है जी, तो जरूरी नहीं कि केवल ये लोग जॉब के लिए ही आते हैं, बल्कि अपने को फिट रखना, क्योंकि आजकल जो फिट है वही जीत है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि कल एक नोटिफिकेशन आई है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, देख रहे थे कुछ बच्चे निराश और हताश हो रहे थे, वो 4 साल की ही ड्यूटी, ये कितना नाइंसाफी किया गया है बच्चों के साथ? देखिए, ये तो जैसे कि सेना भर्ती इंडियन आर्मी के लिए आया है जी, तो थोड़ी सी नाइंसाफी, थोड़ी सी नहीं, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि जहाँ बच्चे कोविड की वजह से जो 3 साल लगभग भर्तियाँ ना आई, तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए था कि कम से कम एज बढ़ाए जी, जो भर्तियाँ नहीं तो भर्तियों की संख्या में जो पोस्ट पद आते हैं तो उसमें थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए जी, तो उसको न लेके सरकार, ये हम लोगों का ये मांग भी था, इसके लिए दिल्ली से लेके हर जगह अभी भी धरना चलिए रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है जी, तो उसमें एक चीज़ ये चीज़ हम लोग देखे, ये सरकार की लगभग ये मनमानी है, ताकि क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ ये खेल है। जैसे अब तो कोई पेरेंट्स आपके पास भेजेंगे भी नहीं बच्चा, बोलेंगे कि 4 साल का ही उसकी जॉब है, तो फिर मैं क्यों बच्चे को आर्मी में अपने बच्चा को फोर्स करूं, क्योंकि 4 साल तो मिनिमम ट्रेनिंग पीरियड होती है एक बच्चे की। ऐसा कुछ नहीं है, सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे देश में अभी भी बेरोजगारी बहुत है, तो वो 4 साल के लिए भी बच्चे उसी जोश जुनून के साथ तैयारी करेंगे। नहीं जी, वो बात तो है सर, लेकिन जैसे उसके पेरेंट्स बोलेंगे या जैसे नव युवक है, अब जैसे उसकी शादी होती है तो लड़के के माता पिता क्या देख के शादी करते हैं कि जॉब है, आर्मी में बंदा जॉब कर रहा है, तो उसकी कम से कम 20-22 साल जॉब थी, एक अच्छी पेमेंट थी, जिसके कारण मिडिल क्लास फैमिली अपना घर चला सकता था। अब तो वो ना घर चला सकता है और ना वो, मतलब 4 साल के बाद उसकी उसका जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले तो इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले बंदों में एक अलग सा जोश जुनून रहता है, वो पैसे के लिए वो जॉब नहीं करते हैं, उसको पैसा किसी और को भी दिया जा सकता है और बोला जाए कि चलिए सियाचिन ग्लेशियर में चले, उतनी ठंड में फिर कश्मीर के बॉर्डरों पे चलिए, तो पता चल जाएगा, फिर राजस्थान में जाइए उस गर्मी में, तो आदमी 2-4 दिन में भाग सकता है पैसा मिलने के बावजूद भी। तो खासकर इंडियन आर्मी का जो अंदर आग उबलता है युवाओं में, जो जैसे ही 16 साल का होता है, एक बच्चा अपने अंदर एक ड्रीम लेके आता है कि हमको इंडियन आर्मी में जाना है, मातृभूमि की सेवा करना है, वो चाहे ना बॉर्डर पे जाकर शहीद हो जाए, तो वो अलग खून रहता है, तो हम इसको पैसों से तुलना नहीं कर सकते कि बहुत पैसा मिलेगा कम मिलेगा, क्योंकि ये मातृभूमि की सेवा में बच्चे दिन रात एक करके इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं,
और मातृभूमि की सेवा करते हैं। सर लेकिन एक फाइनेंशियली सपोर्ट भी तो चाहिए। आप जैसे बच्चे पढ़ा रहे हैं, अपने पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, देशभक्ति चलिए एक सबके अंदर है, लेकिन पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं अब जैसे, तो उसका फाइनेंशियल क्या होगा? उसका फाइनेंशियली जैसे आप एमपी एमएलए को देख लीजिए, उसकी पेंशन मिलती है उसको, तो इस तरह आर्मी के साथ भी तो होना चाहिए। आर्मी के साथ भी ये चीजें होगी क्योंकि अभी फिर जोर शोर से फोर्स टेस्ट होने वाला है और आपके चैनल के माध्यम से जितने सारे भाई सेना की तैयारी कर रहे हैं और गार्जियन से भी, जरूरी नहीं कि बच्चे ही साथ, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका बच्चा इस बार तैयारी नहीं कर रहा है, आपका बच्चा किसी और पोस्ट पर सीवी की तैयारी करता है, तो उसका बच्चा होगा तो हो सकता है वो डिफेंस की तैयारी का जज्बा ले और उसके अंदर जुनून आए कि हमको इंडियन आर्मी में जाना है, तो फिर आपको अफसोस होगा कि क्योंकि चार साल की जो जॉब रहेगी। इसलिए हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य बनता है कि प्लीज सपोर्ट करें हम जैसे लोगों का और साथ दें ताकि हम अपनी मांग को रख सकें और अपने हक की लड़ाई ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छे लगा। और फिर उसके बाद ये आपका चार्जेस वगैरह क्या है? जैसे अब तो जैसे बच्चे आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं तो उनको तो फ्री में भी एक नॉर्मली चार्ज है जो कि 2500 फी लिया जाता है, दो फोटो आधार कार्ड जी, और हमारा पता है टीपीएस कॉलेज चिड़िया टारपुल, और जो फाइनेंशियल कंडीशन जिसका सही नहीं है उसको ऐसे ही एडमिशन लेकर तैयारी करवाया जाता है, तो कोई विशेष किसी पर प्रेशर नहीं रहता। तो ये यहाँ पे आप क्या जैसे रिटर्न एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करवाते क्या? रिटर्न एग्जाम के लिए भी होता है और फिर अभी जैसे बैच आ जाता है जैसे एसआई का बिहार भेजते, बहुत बड़े बैच है, दिन भर फिजिकल ही चलते रहता है, इतना बच्चे रहते हैं जिसकी वजह से क्लासेस डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन अभी जो नेक्स्ट मंथ से जुलाई से जब चालू होगा तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, जो पढ़ाई के लिए जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जो भी लड़के चाहे। आपके पास हॉस्टल की भी हॉस्टल भी है तो हॉस्टल के क्या चार्जेस है? हॉस्टल के लिए अपना सीटर पे होता है 4500-5000 और उसमें जैसे फूडिंग वगैरह, फूडिंग लॉजिंग, सुबह में नाश्ता मिलता है चना मूंग दो केले गुड़, फिर आपका दोपहर में रोटी सब चावल और 3 दिन नॉनवेज 3 दिन वेज मिलता है दोपहर में, फिर रात्रि में भोजन मिलता है रोटी सब्जी जो तो भी मेनू रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। जैसे कि वहाँ पे एक और इंटरव्यू लिए थे एक सर का गुरुजी का, और उधर क्या है यहाँ पे ग्रुप में और बहुत सारी ट्रेनिंग सेंटर है, तो यहाँ पे एक और ट्रेनिंग सेंटर है तो उनसे भी बात करते हैं, हमारे साथ हैं यहाँ भी। तो जैसे इधर हमारे साथ है बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी है, यहाँ पे देख सकते हैं टी शर्ट पे लिखा हुआ है और यूट्यूब चैनल भी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी। आपको मैं लोगों दिखा दूंगा एक वाइस वर्सा में, जैसे यहाँ पे एक अपोजिट में दिख रहा होगा, तो उनके यहाँ मेन ट्रेनर हैं नीरज सर हैं, तो इनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले तो मैं कल का मुद्दा पे बात करने आया हूँ आपसे, क्या कि कल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है कि 4 साल ही बच्चे को जॉब करने के लिए ड्यूटी दिया जाएगा, तो ये कितना नाइंसाफी किया गया बच्चे के साथ? बहुत ही गलत है, जैसे कि आप 4 साल दे रहे हैं, बच्चा 3 साल एनसीसी में आधा टाइम बिता दिया, एनसीसी खत्म होते उसका 21 साल एज खत्म हो गया, उसका एज भी पार हो गया 17 साल से 21 साल दे रहा हो, तो आगे वो जीडी वगैरह का आर्मी जीडी में जा नहीं सकता जी। और 4 साल जॉब है, इससे जब 3 साल एनसीसी करके छोड़ देता है फिर आर्मी में 4 साल कैसे जाएगा? और जहाँ तक बोला जाता है क्या कि 4 साल मिनिमम ट्रेनिंग पीरियड होती है आर्मी के, 4 साल ट्रेनिंग पीरियड, बट इसमें अभी 6 महीना कर दिया है, कम करके 6 महीना कर दिया, बट ये गलत है, लड़का वो मेहनत कर रहा है साल सर और मेहनत कर रहा है कि मेरा आर्मी कन्फर्म है जी। बट ऐसा रूल लाना ये मेरे नजर से सही नहीं है। नहीं सारे बच्चे भी बहुत हताश हो रहे थे स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के साथ लड़का लोग डायरेक्ट बोल दिया रनिंग छोड़ दो, अब इसके लिए आर्मी के लिए फोकस करना ही नहीं, नॉर्मल आना रनिंग कर देना, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जाओ, आर्मी अब कोई सही नहीं है। तो जिस तरह यहाँ देख रहे हैं क्या कि लगातार कि एक तो देखिए कोई भी सारे जो भी यहाँ पे आते ट्रेनिंग करने के लिए जिस समय पूरा दुनिया सो रहा होता है उस समय ये बच्चे अपने ग्राउंड में आके अपना पसीना बहाते हैं, जैसे देख सकते हैं लगभग बच्चे को देख सकते हैं क्या स्थिति है। और उसके बाद देखिए हायर क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो लोग आर्मी में बहुत रेयरली जाते हैं, जो भी बच्चे जाते हैं आर्मी में तो देखिए एक देशभक्ति तो अंदर से जुनून उनका है लेकिन फाइनेंशियली भी बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि देखिए एक बच्चा होता है कमाने वाला घर से और उसके घर से कम 5 जन होते खाने वाले होते हैं, तो वो फाइनेंशियली भी उनको वीक किया जा रहा है। आर्मी वगैरह में एज ए गरीब फैमिली से आता है ना, नेता का आपको बच्चा मिलेगा ना, कोई बिजनेसमैन मिलेगा ना कोई बिल्डर का बच्चा मिलेगा, जो मिडिल फैमिली वाला है वही आपको आर्मी में मिलेगा। तो आप लोग इसके लिए कैसे आवाज उठाइएगा? आप लोग आवाज उठा, जैसे कि आप लोग ट्रेनर हैं तो आप लोग सारे ट्रेनर मिलकर आवाज उठाइएगा इसके लिए, क्या एक मंच पे आइएगा बच्चों के लिए? 20 तारीख में भी सारे ट्रेनर मिलकर एक मंच पे जाएंगे, आर्मी का जो भी अभी निकला रूल अग्निपथ क्या इसका नाम डाला गया जी, उसके अगेंस्ट में कुछ प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार से ये मांग रहे हैं कि जो पुराना भर्ती था उसको फिर से लागू किया जाए, इसको रद्द किया जाए।
तैयारी करने में लड़का मेहनत करता है, जो सुबह से आता है यहाँ, यहाँ हो चाहे गांव देहात में कहीं भी हो, सुबह 4 बजे आप गांव से भी होंगे, हम ऐसा नहीं कि सब लोग पटना से ही होगा, बहुत लोग गांव से भी होंगे, सुबह 4 बजे जगता है लड़का और सुबह रनिंग करता है, रोड रनिंग करे या ग्राउंड रनिंग करे, सुबह रनिंग करके जाता है, उस पर भी खर्चा है। ऐसा नहीं कि वो 3 साल तैयारी कर रहा है, 2 साल तैयारी कर रहा है, एक भर्ती गया, भर्ती निकल गया, उसका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे 250 के बैच में रनिंग कराता है और 20-15 लड़का लेता है, तो आप समझिए कि 125 लड़का तो छट गया, तो फिर अगला साल 1 साल तो उसका गया। इस सरकार को सोचना चाहिए, सोच विचार को सब कुछ आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 साल में उसका जीवन बदल जाएगा, कम से कम उसको मिनिमम जो आप रखे थे 15 साल उतना तो देना ही चाहिए, क्योंकि आगे एक सर्विस मैन का उसका यही लागू हो जाए और कहीं भी बैंक हो या जितना भी सिक्योरिटी गार्ड हो उसमें वो अपना जॉब सिक्योर कर सके। जैसे बताया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट जॉब में उनको मतलब कुछ परसेंट छूट दी जाएगी, तो क्या उससे तो नहीं लगता कुछ फायदा होने वाला, क्योंकि देखिए उधर से भी तो बच्चे ट्रेनिंग करके आएंगे ना, जो सिर्फ डायरेक्टली पुलिस के लिए ट्रेनिंग करेंगे या गार्ड के लिए, जो भी ट्रेनिंग जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए नॉर्मल बच्चे भी तो ट्रेनिंग करेंगे, तो वो तो फिर आर्मी वाला तो पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि पहला प्रायोरिटी तो उनको दिया जाएगा। अब बताइए जो एक सर्विस वहाँ से लेकर आएगा ट्रेनिंग, उसको यहाँ छूट देगा, तो यहाँ का जो बच्चा है जो बिहार पुलिस हो चाहे UPSI यूपी पुलिस में जाने वाला है, वो लोग ऐसा थोड़ी है कि पूरा लोग चल जाता है आर्मी में ही, लमसम 80% लोग है जो स्टेट पुलिस का तैयारी करते हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसे ये रनिंग फिजिकल एकेडमी टीम थी और जैसे कि इन्होंने बताया था, और इनका भी एक अपना आपके ये हॉस्टल वगैरह भी है क्या? हॉस्टल वगैरह हमारा, तो हॉस्टल वगैरह का क्या चार्जेस वगैरह? हॉस्टल हमारा आप जैसे ले सकते हैं, 4800 रुपये एक सिंगल डबल बेड का पड़ता है, रहना खाना 3 टाइम भोजन मिलता है, सिंगल रूम का 5। अच्छा, जो गरीब बच्चा एफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन उसमें प्रतिभा की कमी नहीं, उसके लिए आप उसके लिए छूट रहता है, एकेडमी वगैरह का फी हम लोग नहीं लेते, जो भी बॉयज हो या गर्ल्स हो जी, अगर एफोर्ड नहीं कर पा रहे पैसा है तो भी हमारे एकेडमी करवाया जाता है, नहीं है तो भी करवाया जाता है। तो क्या ये एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करवाते हैं या सिर्फ फिजिकली करवाते हैं? नहीं, एग्जाम के लिए रिटेन भी है और फिजिकल के दोनों के लिए तैयारी करवाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपको जी, धन्यवाद। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और ये मुद्दा को अभी ज्यादा स्प्रेड करिए एक देशभक्ति के नाम से भी, क्योंकि इन लोगों को सपोर्ट चाहिए। आप अगर नहीं भी आर्मी से बिलोंग करते हैं या तैयारी नहीं करते फिर भी इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि देखिए एक शेयर करने से आपके अंदर क्या देशभक्ति की बात जागती है, क्योंकि देखिए देशभक्ति कब आएगी मन में, जब उसके खुद घर में खाने के लिए लाले पड़े रहेंगे तो वो देशभक्ति के बारे में क्या सोचेंगे। तो इसी की वजह से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए एज मच एज यू कैन। सो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग गाइस। जैसे कि यहाँ पे मैं बताया था कि जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो आगे जाके हम लोग को जो भी आतंकी हमला होगा जिनसे हम लोग को बचाने का काम करेंगे, यही जो नौजवान हैं, तो इनसे ये एक ट्रेनर है तो इनसे बात करते हैं पहले। क्या कितने बजे से आप लोग आ जाते हैं यहाँ पे? हम लोग ग्राउंड पर 4 बजे से, जय हिंद, हम लोग 4 बजे से ग्राउंड पर आ जाते हैं, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रनिंग करते हैं, फिर एक्सरसाइज करवाते हैं बच्चा लोग को, पैर का पेट का हर एक एक्सरसाइज करवाते हैं, हर एक तरह के हम एक्सरसाइज करवाते हैं। जैसे अभी भी देख रहे हैं क्या कि अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ फिर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये लोग मतलब अपना टाइम इतना इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रखता है क्या कि मतलब एक एक टाइम, क्योंकि देखिए इन लोगों को खुद खाना बनाना है, खुद खाना है और उसके बाद हर एक काम खुद करना है, क्योंकि देखिए मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग होना बहुत डिफिकल्ट आज के समय में, क्योंकि देखिए एक तो मोदी गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल रही, कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही और हमारी स्टेट गवर्नमेंट तो गए गुजरा है, उस पर तो उससे तो कुछ उम्मीद ही नहीं है। 5-5 साल से लड़का यहाँ दौड़ रहा है,
रिजल्ट आता है, बाकी मेरी लिस्ट में नाम ही नहीं आता है। तो अच्छा, ये जो अभी हाल में ही कल जैसे राजनाथ सिंह ने कुछ अनाउंस किए थे इसके बारे में, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बारे में क्या करना है, थोड़ा सा रुक जाइए दो मिनट के लिए। तो जो राजनाथ सिंह कल अनाउंस किए थे उसके बारे में बोला गया कि सिर्फ 4 साल ही ड्यूटी मिलेगा, तो ये बच्चों के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है कि 4 साल तो उसको दौड़ की ट्रेनिंग ही कम्प्लीट करने में लग जाती है। रियल आर्मी के 4 साल तक ट्रेनिंगे होता है जी, जैसे 4 साल तक बेसिक से सिखाया जाता है, ट्रेनिंगे होता है जी। बाकी हम लोग यार कुछ भी में जॉब लग जाएगा तो हम लोग ले लेंगे, काहे कि हम लोग लगे हुए जिस समय पूरा दुनिया सो रहा होता है उस समय आप लोग ग्राउंड पे आके अपना मेहनत मेहनत दिखाने लग जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा लालू कुमार यादव है जी। धन्यवाद लालू जी। तो जैसे कि देखिए आप लोग ने कि इनसे लालू जी से बात किए हैं, तो जैसे कि ये बता रहे थे क्या कि नेता 4 साल का जो वैकेंसी है, मतलब 4 साल के बाद एक वैकेंसी आती है या 2 साल के बाद एक वैकेंसी आती है, और उसमें भी क्या होता है कि अब बोला गया है कि बस 4 साल के लिए ही इनसे ड्यूटी लिया जाएगा। जैसे 4 साल के लिए जो वैकेंसी निकाले, फिर 4 साल के बाद क्या होगा बेचारा, उसका क्या कुछ हो सकता है? 4 साल के बाद ओकर बाद घर पर आएगा, झाड़ू उड़ू मारेगा रोड उड पर, क्या करेगा? 4 साल के बाद तो कुछ उसका करियर नहीं रहेगा, घर के न रहेगा न घाट के रहेगा, धोबी के कुत्ता के हाल हो जाएगा। ये भी नहीं है क्या कि सिक्योरिटी गार्ड में भी अब क्या होता है कि नॉर्मल लोग भी अप्लाई कर देते हैं, जो अब तो सरकार के इसमें छूट देना चाहिए था, जैसे कोई चीज में अगर बैंक में देना चाहिए था, बैंक का गार्ड में देना चाहिए था, बिहार पुलिस में देना चाहिए था, 4 साल के बाद आए तो कहीं सेटल हो जाए। कुछ नहीं है, खाली है कि 4 साल के 4 साल मतलब अथी करवाएगा, बहाली लेगा 4 साल तक। जैसे कि देख सकते हैं ब्लॉग तो मेरा कंप्लीट हो चुका था, और जैसे जिनके साथ मैं आया था, जैसे हमारे लॉज में जिस तरह बच्चे रहते थे, जिधर मैं रहता हूँ मैं अभी रह रहा था, तो उधर के सारे बच्चे जो आए थे 3:30 बजे ही ये लोग आ गए थे, और ऊपर से क्या 3 बजे ही हॉस्टल में उठ जाते हो, उसके बाद क्या बाथरूम वगैरह सारा चीज करना, मतलब बहुत ही लोगों में एकदम इतना जुनून है ना आर्मी के लिए, क्या मत पूछिए एकदम। ये ना कि वीडियो में ये लोग को देखे भी नहीं होंगे कहीं भी, क्योंकि ये लोग अपना पूरा रनिंग वगैरह ही कर रहे थे, और ये तो ट्रेनिंग ही करवाते हैं, तो एकदम साइकिलिंग भी करके आते हैं, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर अपने लॉज से चला के आते हैं, और उसके बाद फिर क्या यहाँ पे रनिंग करना एक्सरसाइज करना, करते करते सबका एकदम हालत ख़राब हो जाता है, और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बाद समझ सकते हैं ये लोग लाइफ में कितना स्ट्रगल है, जबकि पूरा दुनिया सो रही होती 3 बजे। मैं लगातार ये बात दोहरा रहा हूँ, क्योंकि देखिए सुबह में उठने में बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी ये लोग 3 बजे उठ के 3:30 बजे ग्राउंड आ जाना, ये बहुत ही बड़ी बात है इन लोगों में। जय हिंद साथियों।